गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास ए। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के दो चैप्टर्स का रेपिटिशन करेंगे, रिवीजन करेंगे जो हम फर्स्ट टर्म में कर चुके हैं। दिस इज जस्ट योर रिवीजन वीडियो, शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। एक बार हम कर चुके हैं उसको सिर्फ एक रिवीजन देंगे सो दैट वी कैन रिकलेक्ट इट। चलिए आज हम चैप्टर टू कर रहे हैं, दैट इज नाउन, एंड चैप्टर थ्री दैट इज प्रोनाउंस। Noun is a name of a person, place, animal or thing. ये हम first, second, third class से पढ़ते आ रहे हैं। अब हमने आगे इसको और classify किया है और इसके types समझे हैं। तो हमने उस types में समझा है common noun। Common noun में आ गया common word जो किसी के लिए भी use हो रहा है। Girl, boy, class, fan, light. Common noun. Proper noun में किसी का भी नाम, पर्टिकुलर, जैसे मेरा नाम है मिसेस मोनिका परनामी, तो वो पर्टिकुलर नाम कॉमन नाउन में ही आएगा। क्लियर। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के लिए हम समझ चुके हैं कि दैट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज का कलेक्शन। एज फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, दैट वी कॉल इट अ बुके, राइट। हम किसी की शादी एनिवर्सरी गिफ्ट पे हम बुके लेके जाते हैं, दैट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, एक बंच लेके जाते हैं उसको बुके कहते हैं। अ बंच ऑफ कीज, जिसमें एक कमरे की कीज नहीं होती, स्टोर रूम की भी की होती होगी, रसोई की भी की होती होगी, रूम्स की भी कीज होती होगी। तो यहाँ पर जो कीज है दैट इज अ बंच ऑफ कीज। उसके बाद आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन मीन्स थिंग्स, मेरी चॉक, डस्टर, क्लॉथ, टेबल, चेयर, दीज वेज। एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट डज एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बेसिक मतलब जुड़ा होता है फीलिंग से, बिहेवियर से। सच, झूठ, गिल्टी, आप फील करते हैं वो चीज, वो वर्ड्स आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्लियर। चलिए थर्ड चैप्टर में रिपीट अगर हम कर रहे हैं प्रोनाउंस। पहले प्रोनाउन का बेसिक मतलब समझेंगे। बेसिक मतलब है कि वर्ड्स यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो वर्ड्स नाउन की जगह पे यूज हो रहे हैं दोज आर नोन एज प्रोनाउंस। अगर कोई मेल है वे यूज ही, कोई फीमेल है वी यूज शी। नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के लिए हम यूज कर रहे हैं इट। आगे It is also classified into many pronouns. कौन कौन से pronouns में आगे divide हो रखा है वो हम समझेंगे। Personal pronoun, sorry, personal pronoun में I, we, me, ये आ गए first person. Second में you, yours. Third में he, his, hers, him, ये सब third person में आएंगे। क्लियर। पहले आ गया पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है, आप इसको रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, जो प्रोनाउन यूज हो रहा है उन्हीं की चीज के बारे में बताया जा रहा है। ही हिमसेल्फ विल गो टू द मार्केट, वो खुद मार्केट जाएंगे। क्लियर। Then comes demonstrative. Demonstrative में हमेशा point out होगी things. This box, this dress, this scooter. Clear? Distributive. Distributive मतलब everyone, everywhere. All these words are distributive. Interrogative में मैं आपको हमेशा से बताती आ रही हूँ, हमेशा questioning mark आएंगे. That will move towards interrogative sentences. And the third, last one is relative pronoun. Relative pronoun word comes from word relation. Kis ka kis se? Whose class is this? Whose pen is this? Who is going to the staff room? Ye sari cheeze relation show kar rahi hai. These all comes under the word reflexive pronoun. Clear? अब हमने चैप्टर टू और चैप्टर थ्री रिवाइज करा है, ऐसे ही हम आगे और चैप्टर्स रिवाइज करेंगे।
पीडीएफ का रिटन वर्क आप अपना जो पहले रिवीजन वर्क सेंड हुआ है आप उसी में से रिवाइज करेंगे। एक गो थ्रू इस वीडियो से हो सकते हैं कि हम पूरा रिकलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? गुड डे।